नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सिलसिला बाजारों का। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शाडी और सिलसिला बाजारों का में चर्चा करेंगे यहां पर कम्युनिटी बाजार के बारे में। जानेंगे कि आज कम्युनिटी बाजार कैसा खुलता नजर आ रहा है, कम्युनिटी बाजार में कितनी उठापटक है, कितनी मंदी तेजी देखने को मिल सकती है आज, और उस पर रूपा मेहता की क्या राय रहेगी, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। शुरुआत करेंगे सबसे पहले M6 कॉटन से। रूपा जी, देख रहे हैं कि कल को M6 कॉटन में हल्की सी करेक्शन आई थी, 43,000 के लेवल्स पर ट्रेड करती नजर आ रही थी, लेकिन आज देख रहे हैं कि M6 कॉटन फिर से हरे निशान पर है और 44,000 के लेवल पर ट्रेड करती नजर आ रही है। आपका क्या मानना है, ऊपरी स्तर पे भी कॉटन में हल्के से लेवल टूटने के बाद फिर से खरीदारी निकली है, तो क्या मान लिया जाए कि कॉटन में यहाँ से अभी तेजी जो है या फिर जो सस्टेनेबिलिटी है वो एज इट इज बनी रहेगी या फिर शार्प करेक्शन कभी भी एक्सपेक्टेड है? देखिए, कॉटन के अंदर अभी जो है करेक्शन एक्सपेक्टेड है और वो करेक्शन कंटिन्यू रह सकती है। इसके अंदर अभी थोड़ा सा दबाव जो है वो बनता हुआ दिखाई दे सकता है। मुझे लगता है कि यहाँ पर बाइंग जो है वो कम होती नजर आएगी और 44,000 तक मार्केट लुढ़क सकता है, और 44 के नीचे निकलता है तो आपको 43,500-43,800 की रेंज भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि ऊपरी स्तरों पर लगातार करेक्शन का दबाव देखने को मिल रहा है और अब यहाँ पर बाजारों में बहुत ज्यादा तेजी की उम्मीद फिलहाल मुझे दिखाई नहीं दे रही है। जी, ये सिर पर जी बिनौला खल की बात की जाए तो बिनौला खल देख रहे हैं 2845 तक का लो लगा चुका है। आपको क्या लगता है, क्या अभी बिनौला खल की जो प्राइसेस है और नीचे जाने बाकी हैं? देखिए, बिनौला खल में बिल्कुल एक्सपेक्टेड है कि प्राइसेस के अंदर प्रेशर तो देखिए बना रहेगा और लगातार मार्केट जो है वो गिरावट की तरफ है और 3200 से लगातार करेक्शन में है, और अगर अब 2800 के आसपास सपोर्ट आता है तो भी तेजी ज्यादा नहीं है और 3000 तक मैक्सिमम अपसाइड में जा सकता है मार्केट। तो अभी के लिए फिलहाल मुझे लगता है कि करेक्शन में ही रहेगा, नीचे में 2754 तक भी नीचे लुढ़क सकता है मार्केट, और अभी आज थोड़ा सा पॉजिटिव जा रहा है तो इस हिसाब से आप मान के चलिए आज इंट्राडे में 2880-2920 की रेंज पकड़ सकता है। जी, ये सिर्फ जी बात करें अगर मसालों की तो मसालों में देख रहे हैं कल के मुकाबले आज जो लेवल्स हैं हल्के से थोड़े नीचे फिसले हैं, इंट्राडे में आपके अकॉर्डिंग मसालों में कैसी कारोबार देखने को मिल सकता है? देखिए, इंट्राडे में हल्की गिरावट जरूर आई है लेकिन सपोर्ट है मार्केट में, फंडामेंटली सपोर्टिव और अभी भी पॉजिटिव मोमेंटम है। अभी जो करेक्शन है इस करेक्शन में एक बार फिर से बाइंग की अपॉर्चुनिटी हो सकती है, स्पेशली मुझे हल्दी अच्छी लग रही है। यहाँ से हल्दी अगर नीचे में 8200 के आसपास आती है तो वहां पर आपको बाइंग आता हुआ नजर आ सकता है। जीरा भी 21,800-21,600 तक नीचे लुढ़क सकता है, और वहीं अगर बात करें तो धनिये की, तो धनिये में भी हल्की करेक्शन और उसके बाद वापस से जो है वो तेजी की तरफ मार्केट जाता हुआ दिखाई दे सकता है। जी, ये सिर्फ जी देख रहे हैं कैसे सीड भी 7100 के लेवल्स पर ही एक सीमित दायरे में है। आपको क्या लगता है, क्या कैसर में फिर से 7500 वाले लेवल्स देखने को मिल पाएंगे? क्योंकि कैस्टर में भी बहुत ज्यादा मोमेंटम एक्सपेक्टेड नहीं है, वही सीमित दायरे में फंसता रह गया 72 तो तक मैक्सिमम अपसाइड, तो नीचे में 7000 का स्तर देखने को मिलता है, तो अभी फिलहाल यही रेंज है, जहां का भी ब्रेकआउट होगा उस तरफ की रैली फिर हमें देखने को मिल सकती है। जी, यहीं से रूपा जी देख रहे हैं कि ग्वार कॉम्प्लेक्स में फिर से खरीदारी लौटी है, ग्वार गम ग्वार सीड में आज देख रहे हैं इंट्राडे में हरे निशान पर ट्रेड करता नजर आ रहा है, प्राइसेस ठीक ठाक ही देखने को मिल रहे हैं कल के मुकाबले। आपको क्या लगता है, वीकेंड होते होते ग्वार गम ग्वार सीड में कितनी मंदी तेजी देखने को मिल पाएगी? मुझे ग्वार सीड और ग्वार गम दोनों में ही तेजी का रुझान है और अभी भी मार्केट जो है वो पॉजिटिव रहने वाले हैं, और मुझे लगता है कि अभी भी गम के अंदर जो है वो तेजी बन सकती है और ऊपर में 13,500 तक तेजी की तरफ जा सकता है, और 13,000 के ऊपर की सस्टेनेबिलिटी आगे की ओर तेजी तय करेगी, और फिर 15,000 के भी स्तर हो सकता है गम में देखने को मिले। मैंने लगातार यही बोला है कि आप ग्वार के अंदर बाइंग करके चलिए, आगे तेजी का ही रुझान है, सीड भी 6500 तक ऊपर जाती हुई दिखाई दे सकती है। जी, यहीं से रूपा जी अगर सरसों की बात की जाए तो सरसों में आपको क्या लगता है, सरसों में अभी कैसा रुझान रहने वाला है? देख रहे हैं कि बम्पर आवकें हैं, बम्पर उत्पादन है, उसके बावजूद भी जो प्राइसेस हैं ठीक ठाक बने हुए हैं, तो क्या अभी कीमतों में और तेजी आनी बाकी है जिस हिसाब से CPO पर बैन लगा है? देखिए, बिल्कुल खाद्य तेलों में अभी तेजी का ही रुझान है और सरसों के अंदर भी आगे तेजी बनती हुई दिखाई दे, सरसों के साथ साथ आप देखेंगे सोयाबीन में भी अपसाइड मोमेंटम आएगा और CPO में ऑलरेडी हम देख सकते हैं और मार्केट ऊपर है और अभी भी आगे चलकर तेजी का ही रुझान बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ओवरऑल खाद्य तेलों के अंदर तेजी का रुझान है क्योंकि फंडामेंटल काफी सपोर्टिव है और अब टेक्निकली भी लग रहा है कि एक बार मार्केट जो है ऊपरी लेवल पर सस्टेन करता हुआ दिखाई दे सकता है। जी, इसके साथ रूपा जी सोयाबीन की बात की जाए तो US सोयाबीन देख रहे हैं 1600
$60 पर ट्रेड करती नजर आ रही है। आज सोयाबीन में देख रहे हैं कि कल के मुकाबले नरमी है और लाल निशान पर है, ऐसे में आपको क्या लगता है इसका असर घरेलू बाजार पर कितना देखने को मिल सकता है? देखिए और कमोडिटीज रही है रूपा जी, यूएस सोयाबीन की बात की जाए तो यूएस सोयाबीन का बाजार देख रहे हैं $1660 पर है लाल निशान पर, आपको क्या लगता है इसका असर घरेलू बाजार पर कितना पड़ सकता है? देखिए अभी बहुत ज्यादा कोई गिरावट नहीं है, ये $1660 पर अगर सस्टेन करता दिखाई दे रहा है हमें, ऑलरेडी 1600 के ऊपर प्राइसेस पहले ही बहुत तेज हैं और 1700 के ऊपर निकलता है तो और लंबी तेजी है, और 1660 पर भी अगर मार्केट सस्टेन कर जाता है और यहाँ पर तेज रहता है तो 1680 से 1700 तक के ऊपर की रेंज है और नीचे में 1640 से 1620 तक भी आता हुआ दिखाई दे सकता है। जी रूपा जी, टॉपिक्स किन्हें देना चाहेंगी आप एग्री कम्युनिटीज में? देखिए एग्री कमोडिटीज में अगर आज इंटरडे की बात की जाए तो काफी कमोडिटीज के अंदर मिला जुला सा रुझान देखने को मिल रहा है, लेकिन जो स्टेबल दिखाई दे रही है वो ग्वार स्टेबल दिखाई दे रही है। ग्वार के अंदर लगातार अपसाइड मोमेंटम है और ये कंटिन्यू में रह सकता है और ग्वार मुझे लगता है कि आज इंटरडे में 13,000 का स्तर छूती हुई दिखाई दे सकती है, तो ग्वार के अंदर बाइंग करके चला जा। जी बहुत बहुत शुक्रिया रूपा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो ये था एक छोटा सा कम्युनिटी बाजार का अपडेट कि आज सुबह के कारोबारी सत्र में कम्युनिटी बाजार कैसा खुलता नजर आ रहा है और कैसा ट्रेड करता नजर आ रहा है उस पर रूपा मेहता की क्या राय थी। फिलहाल सिलसिला बाजारों का अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन अब कहीं जाएगा नहीं क्योंकि मुनाफे की खबर का दौर लगातार ही बना हुआ है मार्केट एमसीवी पर।